कर रोया तो मैं ऐसी तकदीर हूँ, तो मैं तो हूँ चरणों की दासी, कि मैं तो हूँ चरणों की दासी, तू माथे का सिंगार भैया ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बेटियों पर सुनाई हैं आपको। और क्या भाई साहब, जरा मेरी नजर से देखिए, जो लोग कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझते हैं, आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जहां बेटा पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है, ढोलक बजाई जाती है, नाचा जाता है, लेकिन अगर बिटिया पैदा हो जाती है तो चेहरे लटक जाते हैं। बेटियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी नजर से देखिए तो ये बिटिया होती कैसी है? कैसी? विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटिया, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, और जो बात आपको अच्छी लग जाए उस पर अपनी तालियों से सम्मान कर दीजिएगा। ये बात, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे लेखक बैठे हैं मंच पर, और तो मैं सभी से नाम तो नहीं जानती हूँ, हमारे शर्मा जी तो सबसे परिचित हैं, और क्या, लेकिन हमारे होतीलाल भैया भी सुने, सुनिए, सुने। तो विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटिया, और देवी पुराण का हर स्कंद बेटिया, तो माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, और बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां। अगर बेटा आपके आंगन का फूल है तो फूल की खुशबू होती है बिटिया, और यही बिटिया जब आपके आंगन में बड़ी होने लगती है तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, पर धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। आज मोटरसाइकिल दी है, कल कार चाहिए, कल कार दे दिया है तो 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये कुछ नहीं दे पाए तो थोड़े दिन बाद पेपर में खबर छपती है घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, तो धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, और धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां। धन के लिए, दहेज के लिए तो बाप में मारी जाती हैं। आजकल पहले पेट में मारने का इंतजाम होता है, पहले पेट में मारी जाती हैं बेटियां। तो मैं कह रही हूँ, क्या क्यों बेटियों से लोग अब किनारा कर रहे, और बेटों की ओर ध्यान अपना सारा कर रहे, तो क्यों सर्वनाश
की तरफ इशारा कर रहे और अपना के क्यों सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे और अपना ही अंश खत्म अपने द्वारा कर रहे। तो बेटों को बेटा चाहिए लेकिन बच्चों को एक नजर से वो निहारती है माँ, ममता हृदय में सबके लिए धारती है माँ, फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ, फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ, फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ, और अपनी ही बिटिया पेट में क्यों मारती है माँ, गर्भ के अंदर एक बिटिया माँ से बोली। गीत के भाव को समझिएगा, समझिए कवि की कल्पना है, क्योंकि कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि तो कवि ने कल्पना की। 101 मुद्राएं एसके मोटर नोएडा भैया नरेंद्र सिंह दरोगा जी छोटू भैया चोहरपुर आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जरा देखिए कि कवि की कल्पना क्या है। एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया एक माँ के उदर में है, लेकिन ससुराल वालों ने ताना दिया है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो तुझको घर से निकाल देंगे। ये सोचकर वो बेचारी माँ डॉक्टर साहब के पास पहुंची और डॉक्टर साहब को पैसा देकर कहने लगी, डॉक्टर साहब जरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर बताइए मेरे उदर में बिटिया है या बेटा है। डॉक्टर साहब ने देखा, कहाँ बधाई हो, तुम्हारे आंगन में लक्ष्मी आने वाली है, कन्या आने वाली है। उस माँ ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आप ये जेब की लक्ष्मी अपनी जेब में रखिए और पेट वाली लक्ष्मी बाहर कर दीजिए, मुझे ये बिटिया नहीं चाहिए क्योंकि ससुराल वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। अब जरा कवि की कल्पना देखिए कि जब उस गुड़िया ने वो 5 महीने की बच्ची जिसका शरीर बनना शुरू हो गया है, उस बच्ची ने सुना कि मेरी माँ मुझे मारने के लिए लाई है, तो वो गुड़िया अपनी माँ से कहती है, क्या उसने कहा, माँ के मार रही क्यों, सुनिएगा। उस गुड़िया ने कहा, मार रही क्यों मैया मुझको, सोच के मैं हैरान हूं, सोच के मैं हैरान हूं, सोच के मैं हैरान हूं, के मार रही क्यों ना बेटी ना बेटा, बेटी ही सही माँ, तेरा बेटा नहीं पर तेरी बिटिया तो हूँ, ना बेटा बेटी ही सही माँ, मैं आपकी ही संतान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान हूँ। और
माता पिता की कठिन तपस्या, मेरे जन्म के लिए कितने परिश्रम किए होंगे आप दोनों। माता पिता की मैं कठिन तपस्या, मैं ईश्वर का वरदान हूँ, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। अब जी सोच रही हूँ गीत पूरा हो जाए तब पुरस्कार बोल दूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैनल चल रहा है। बिल्कुल। अब जब उस गुड़िया ने कहा माँ माँ मुझे मत मार, मैं भी तो इंसान हूँ, तू कैसी माँ है, माँ तो हर हाल में अपने बच्चे को छाती पेट से लगा लेती है और तुझे मारने के लिए लाई है, तो उसने कहा कहा कि आने से पहले मेरी माँ, मैंने अभी तेरा चेहरा भी नहीं देखा, मैंने अपने बाबुल को नहीं देखा, तू मुझे मारने के लिए यहाँ ले आई, मुझे पैदा होने दे माँ, मैं कहीं तेरे बर्तन माँच कर रह लूंगी, भैया की जूठन खा लूंगी, तेरे उतरे हुए कपड़े पहन लूंगी, लेकिन मुझको भी जन्म लेने दे माँ, तो आने से पहले ही विदाई कर तू संसार से, तो कुछ ममता मुझे को भी दे दे, कुछ ममता मुझे को भी दे दे, ममता के भंडार से। तो ऐ माँ माँ मैं रक्षा बंधन की जननी, अगर मैं पैदा नहीं हुई तो मेरा भैया भी अकेला रह जाएगा, तो मैं रक्षा बंधन की जननी, मैं भैया का अरमान हूँ, तो मैं भी तो सुनिए। और महेश भैया गीत पर गौर करिएगा, मैं भी तो इंसान हूँ, केवल गीत लिखने के लिए नहीं लिखा गया है, इस गीत में एक संदेश भी है, और ये संदेश मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से 10-20 लोगों ने भी मेरी बात पर अमल कर लिया तो मेरा कीर्तन गाना सफल हो जाएगा। सुनिए कैसे। सुनिए। उस लड़की ने कहा माँ तू मुझे मारने के लिए लाई है, चल मार दे मार दे, ये तेरा अधिकार है, अभी मैं तेरे पेट में पल रही हूँ, तू जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर, लेकिन मैं मरते मरते एक सवाल पूरे समाज से कर रही हूँ। और उस लड़की ने एक सवाल किया, किया कहा क्या? अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही
से वहां तक, जिनके हाथों में चाय है वो भी सुने, जिनके हाथों में चाय नहीं है अगर मेरी बात अच्छी लगे तो दिल खोल कर उन बेटियों के लिए तालियां बजाइएगा जिनको कहीं ना कहीं लोग अपमानित करते हैं। पहले पंक्ति सुनिए, उस बिटिया ने कहा माँ मा? तू मुझे मार दे लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर बेटियां गर्भ के अंदर यूं ही मिटाई जाएगी तो नवरात्रि में नौ कन्याएं, नवरात्रि में नौ कन्याएं किशन कहां से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद है, मेरी बात आप तक पहुंच गई यानी मेरा गाना सफल हो गया। हो गया। उस बिटिया ने कहा माँ मा? मारने को तो तू मुझे मार दे, ऐसी ना जाने कितनी बेटियां मारी जाती रहेंगी, लेकिन सवाल केवल इतना है कि मार तो दोगी तुम मुझे लेकिन जब नवरात्रि आएगी नौ देवियों की पूजा तो की जाएगी लेकिन मोहल्ले में ढूंढने से नौ कन्याएं भी नहीं मिलेंगी, और जब नौ कन्याएं नहीं मिलेंगी तो बहुएं कहां से लाएंगे, केवल बेटों से परिवार थोड़ी चल जाएगा। तो नवरात्रि में नौ कन्याएं किशन कहां से आएंगी। तो उसने कहा माँ माँ मा, मैं बोझ नहीं हूं, मेरी नजर से देख मैं हूं क्या, क्या मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा, अरे मैं ही लक्ष्मी बाई मीरा और मैं रजिया सुल्तान हो तो मैं भी तो इंसान हो, मैं भी तो इंसान हो, मैं भी तो इंसान हो, इंसान इंसान मैं भी तो इंसान इंसान इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए।